लोग फाइनली हमारा पार्टी खत्म हो चुके हैं और पूरे भाई लोग यहाँ पर हैं। एक बार शोर मचा दो भाई लोग। तो रीलो साथ देखने ले देखो सुनो। अभी हमारा काम देख सकते हो कंटिन्यू चल रहे हैं। यहाँ पर ये चिकन सेकुआ बनवाने के लिए और यहाँ पर बनवा रहा है, यहाँ पर चिकन, ये सब्जी के लिए और यहाँ पर मीट है। और अभी सब लोग थाली देख सकते हैं, थाली ये सब कुछ इस तरह का है बर्तन में। ये बहुत बड़े बड़े बर्तन है, खाना वाना बनाने के बर्तन में खा रहे सब लोग। यहाँ पर रोशन यो ब्रो और मेरा यहाँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। सो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों को एक नए साल के शुरुआत के साथ। एक व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं, आप सभी लोगों को स्वागत कर रहा हूँ। और आज है हमारा लास्ट डे ऑफ लिंगी। हम लोग आए हुए थे लिंगी में, सो यहाँ पर ऐसा ही 4-5 दिन रुके। सो कल रात को ही प्रोग्राम ख़त्म हो चुके थे। आज है जनवरी 1 तारीख 2023 और आप सभी लोग नए वर्ष के मुबारक। और आज हम लोग फाइनली यहाँ से वापस घर लौट रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो अपने भाई यानी कि दोस्त लोग सब लोग यहाँ पर अभी कपड़े और ये सब दुकान जो है अभी साफ़ कर रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ अभी साफ़ करने के लिए। और उसके बाद में सीधा सामान गड्डी में लगाते हैं और यहाँ से निकलना भी है हमें। और आज हमारा प्लान क्या है कि यहाँ एक बड़ी सी नदी है, वहाँ पर जाके ना पूरा का पूरा क्या बोलते न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे दोस्तों के साथ में, भाई लोगों के साथ में। और आप लोग भी करिएगा, आप लोग भी अपने फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ में खुश रहिएगा। सो हम लोग भी अभी आज यही करने वाले। सो देखते हैं आगे जो होता है। ये सारा सामान है हमारा जो कि हमने थोड़ा बहुत पैक कर लिए यहाँ से लेके यहाँ तक। साला आते वक्त तो हमें लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा सामान होगा, लेकिन जाते वक्त देख सकते साला इतना सामान कौन लेके आया बे। ये यहाँ पर देख सकते इतना सारा, अभी गड्डी आ रहा है और रोड करके सीधा जाएंगे नीचे जाके, खाना भी वहीं बना के खाएंगे और आज पिकनिक ऐसा ही पार्टी करेंगे सब भाई लोगों के साथ में। क्या पता कल के दिन एक दो भाई ना हो, है ना, इसलिए मजे करके रखते हैं। तो फाइनली अपना गड्डी आ चुका है और सारा सामान डालते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और अभी भाई लोग गए हुए ऊपर को, जो दुकान के थोड़ा बहुत पैसा बहुत पे करना था वो पे करते हैं और निकलते हैं। अभी अपना सामान फुल पैक हो चुका है और अपना भाई लोग यहाँ पर भी है, तो निकलते अभी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं काउखोला और यहाँ आगे में थोड़ा रास्ता खराब था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं। और पीछे पीछे से दो गड्डियां और रास्ता खराब है यहाँ पर देख सकते हो। सो आज हमारा पिकनिक होगा यहाँ पर, है ना अनु, आज हमारा पिकनिक होगा यहाँ पर। हाँ हाँ सही है, यहाँ पर थोड़ा रास्ता खराब है ना इसीलिए। सो यहाँ पर बनाए खाएंगे मछली। इतना सा सारा मछली, इतना लोग यहाँ आ गए। और अभी सब लोग देख सकते हो अपने अपने काम में लग चुके हैं। यहाँ आते ही मेरा काम का जिम्मेवारी था यहाँ पर आग लगाना और आग सेकने के लिए। और यहाँ पर कहीं लोग अपने अपने काम में लग चुके हैं, कहीं लोग खाना बनाने के लिए और कई लोग वहाँ पर बर्तन धोने के लिए जा चुका है और कई लोग लकड़ी ढूंढने के लिए जा चुका है। अपना अपना काम है अपना अपना। सो अभी यहाँ आते हैं हम लोग, सबसे फर्स्ट यहाँ पर बना रहे हैं जाल मुड़ी, क्योंकि अभी टाइम 1 बज चुका है, सुबह से कुछ भी खाया हुआ नहीं है इसीलिए काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुका है ना, इसीलिए हम लोग पहले खा रहे हैं जाल मुड़ी। और यहाँ पर अभी खाना तो पक रहा है, वैसे अभी खाना सब कुछ यहाँ पर है। और यहाँ पर एक तो मुर्गी भाई भी है, ओम नमः शिवाय। अभी हमारा काम देख सकते हो कंटिन्यू चल रहे हैं यहाँ पर, ये चिकन सेकुआ बनवाने के लिए और यहाँ पर बनवा रहा है, यहाँ पर चिकन, ये सब्जी के लिए और यहाँ पर मीट है, मीठी मीट जहाँ देखो वहाँ मीट, इतना ज़्यादा मीट है। और यहाँ पर देखते हो पूरा का पूरा चाय वगैरह। और यहाँ पर आग में है ना, हमने ये क्या बोलते हैं सेकुआ लगा रखा है, ये भी थोड़ा बहुत काला हो चुका है, इनको थोड़ा बहुत इस तरह से कर देंगे या अभी ये थोड़ा बहुत पकता रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हो सब लोग हेलो कर दो, हेलो यो यो ब्रो। तो ये है हमारा रिमेंबर, आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में भी देख सकते हैं ये मछली जातो है जातो। तो कई लोग यहाँ पर ऐसा ही टाइम पास कर रहे हैं, यानी कि ऐसा ही टाइम पास के लिए ताश खेल रहे हैं। और कई लोग यहाँ पर बनवा रहा है। और ये देख सकते हैं अपना पूरा का पूरा गड्डी से सामान बाहर निकला हुआ है अभी थोड़ा बहुत। अनुम आप क्या पका रहे हो अनुम? चिकन ग्रेवी। सो अभी टाइम ऐसा ही 1:30 2 बज चुका है और अभी तक हमने खाना खाए हुए नहीं। और यहाँ पर देख सकते हो
ये है चिकन, हमने पूरी पहले से ये पास करके रखा हुआ था। और आप ये क्या बोलते हैं, ये शिकवा के लिए ना? शिकवा शिकवा। सो सही है सही है सही है, ये सही है। देख सकते हो कहीं लोग ताश खेल रहे, कहीं लोग यहाँ पर खाना सब्जी बना रहे, कहीं लोग यहाँ पर ना यहाँ पर शेकवा बनाते हुए यहाँ पर काट के अपने 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 शेकवा लगा रहे और बना के खा रहे। वाह इतना मजा शायद ही पहले कभी किया होगा। तो रीला साथ देखो तो अभी अपने ये तरीके से खाना लग चुका है। चलो 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 अपने खाना अपने खुद लगाना, अपने खाना खुद लगाना। और यहाँ आके सब्जी लेंगे भाई साहब के पास से। ओ या ल्याम ल्याम बस। तो चलो 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 खाना खाते हैं और उसके बाद में फिर मज़े करते हैं। सही है क्योंकि सुबह से खाना खाई हुई नहीं है, सो खाना खाते हैं अभी। और अभी सब लोग थाली देख सकते हैं, थाली ये सब कुछ इस तरह का है, बर्तन में ये बहुत बड़े बड़े बर्तन में खाना वाना बनाने के बर्तन में खा रहे हैं सब लोग। यहाँ पर रोशन यो ब्रो और मेरा यहाँ। सो फाइनली खाना वाना खा चुके हैं और अभी बारी है शेकुआ का, जो कि अभी यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा आधा ही है। और यहाँ पर अभी रेडी बनाने का काम चल रहा है। तो अच्छी तरह से क्ल्यूट क्ल्यूट क्ल्यूट। सो अभी देखो ये चिकन शेकवा ना सिर्फ हम लोग खा रहे हैं, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी अभी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ तो सब लोग बिजी है, वैसे अभी दो लॉन्डो गड्ढे में लेट चुके हैं और कंटिन्यू ऐसा ही एक हफ्ते समझ लो, एक हफ्ते ना हमने कंटिन्यू मीट खाए। ओ भाई साहब, और आज भी देखो इतना ज़्यादा मीट है, इस तरह का हो चुका है कि अभी एक दो महीने मीट ना मिले फिर भी चलेगा, इतना ज़्यादा खा लिया हमने। एक हफ्ते हो चुका है चिकन पॉर्क बीफ इतना ज़्यादा खा ली, इतना ज़्यादा खा ली कह नहीं सकता। और अभी यहाँ देख सकते हो गड्ढे के अंदर हमारा दो दोस्त अभी हो चुका है और एक यहाँ पर हो चुका है शेकुआ खा करके, शेकुआ भी पूरा काला हो चुका है साला। सो दोस्तों अभी टाइम 3 बज चुका है और अभी तक हम लोग इतना यहाँ पर इतना मज़े कर रहे हैं ना, सच में कह दूँ लाइफ में मैंने आज तक इतना ज़्यादा मीट कभी भी खाया हुआ नहीं था। हे भगवान मुझे पाप ना लगे, अगर सच कह दूँ तो मैं मर जाऊँ ना तो मैं सच में कह दूँ सीधा मैं नरक में चला जाऊँगा, क्योंकि मेरा सब दोस्त वहीं पर रहते हैं तो मैं अकेले स्वर्ग जाके क्या करूँगा। ये भी वही नरक पे मिलते हैं और ये भी और ये सब वही नरक में होगा। और यहाँ पर देखो के सोचे थे जिंदगी माँ उसका चेहरा का 12 बजा हुआ है, लेकिन वो आज पूरा का पूरा एक हफ्ते के बाद में वो अपने बेबी से मिलेगा। वाह उसका जिंदगी काफी ज्यादा स्वर्ग के स्वर्ग, सच में कह दूँ अगर मैं मर जाऊँगा ना मैं सीधा नर्क में जाऊँगा, क्योंकि ये लोग सब लोग वहीं नर्क पर मिलेगा मुझे। सो मैं अकेले सर जाके क्या करूँगा।
सच है कि नहीं बता? नहीं। तो दोस्तों फाइनली हमारा पार्टी खत्म हो चुका है और यहाँ पर देखिए अभी ताश खेलने वाले लोग भी सब लोग अभी निकल चुके हैं, सब सामान सब लगा लिए। अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा ऐसा ही आग सेक रहे थे और उसके बाद में हम सब लोग यहाँ से निकल जाएंगे सीधा गाँव। अभी यहाँ देखो हम लोग ये धूप की तरह है और ये धूप यहाँ पर थोड़ा बहुत लगा के जलाएंगे क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा मीट यहाँ पर हमने क्या बोलते हैं सेकुआ इसी तरह से बनाया था, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल गया था। सो अभी अच्छा धूप बोलेंगे यहाँ पर। सो भाई लोग फाइनली हमारा पार्टी खत्म हो चुका है और पूरे भाई लोग यहाँ पर है, एक बार शोर मचा दो भाई लोग। सो फाइनली हमारा पार्टी खत्म हो चुका है और अभी हम लोग यहाँ से सीधा घर निकलेंगे। एवरीवन सो दिस इज द नेक्स्ट डे और कल रात ना यहाँ आके इतना ज़्यादा थक चुके थे और यहाँ आते ही देख सकते हो पूरा का पूरा सामान देख सकते हो पूरा का पूरा बसर चम्मच रखे। और अभी मैं सुबह सुबह आया था यहाँ पर कपड़े धोने के लिए और कपड़े धोना है वहाँ पर और कल मुझे होगा तो शायद थी मैं यहाँ से मुझे घंटों भी जाना है, सो इसलिए मैं कपड़े धोने के लिए आ गया था यहाँ पर और सामान कुछ इसी तरह का है, अभी सामान भी मिलाना है। सो जो भी हो कल रात सब थक गए थे इसलिए ब्लॉग एंड कर नहीं पाया था, सो फिलहाल मैं भी इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। ऐसा करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। अपना ख्याल रखिए, आपसे मिलेंगे जल्दी आने वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।